चलो भी चलो, हमने उस टाइम क्लास स्टार्ट किया था। आज नया टॉपिक अपना है मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो जैसे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, हमने क्या डिस्कस किया था, हमारे आसपास जो भी चीज बनती है उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग, तुम जो देख सकते हो है ना, जिसको तुम छू सकते हो, सबको तो क्या कहते हैं, मैटर। ये सारे हैं नेटवर्क है। तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई और मोबाइल नहीं है। ओके ओके, मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा था जिसके बारे में मैटर इन अवर सराउंडिंग, केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर, साइंस का फर्स्ट चैप्टर। ओके ठीक है बच्चा, ओके यस बच्चा। वन सेकंड बच्चा, अभी आवाज एकदम क्लियर होगी आई थिंक। अब आपको आवाज का दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? यस सर, चलिए अभी हाँ, मैंने मोबाइल से बात करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो मैटर का सिंपल अगर साइंस की डेफिनेशन में क्या होता है, मैटर किसको बोलते हैं, जिसमें कुछ भी स्पेस हो और उसमें मास हो, ठीक है? एनीथिंग व्हाट इज मैटर, एनीथिंग कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसमें मास हो। आपकी फुटबॉल की बॉल है ना, फुटबॉल आप सब लोग खेलते हो, बहुत बचपन बहुत खेले हो। आप देखो इसमें दोनों चीज है, इसने अगर मैं समझो इसको अर्थ मानता हूं, इसके अंदर इस फुटबॉल ने कोई स्पेस ऑक्यूपाई किया है, यस। इस फुटबॉल का कोई मास है, यस। तो कोई भी चीज हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, अगर उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है और उसका कुछ भी मास है, 0.1 kg, 0.0001 kg है ना, इवन इलेक्ट्रॉन का मास देखो कितना कम होता है, और वो ही मैटर है, ठीक है? तो कोई भी चीज जिसने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई किया हो और उसके अंदर मास हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर। ये हमेशा याद रखना। तो जो पूरा यूनिवर्स होता है इसी मैटर से बना होता है, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं। फिर आप लोग कंपाउंड्स भी पढ़ोगे, आप लोग मैटर भी पढ़ोगे, ठीक है? तो जितने भी एलिमेंट आप सुनते हो, कोई भी आप जो चीज सुनते हो, वो मैटर से बनी होगी। जैसे आपका घर बना हो, घर में जो ईंट होती है, पूरा घर किससे बना होता है, ईंट से मिलके बना होता है ना? तो ईंट हमारा क्या है, बेसिक एलिमेंट। जब मैटर को हम बारीकी में देखें, फिर वो एटम्स में जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, वो सब आगे की कहानी है, उसको हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे बेसिक चीज क्या है, जिसमें कोई मास हो, जिसमें कोई जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर, ठीक है? अब कोई भी मैटर होता है, कोई भी चीज होती है, उसमें दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब उसको समझना कैसा है भाई, अब एक मैटर दूसरे से अलग कैसा है, जैसे क्रिकेट की बॉल फुटबॉल की बॉल से अलग होती है ना? हॉकी की हॉकी खेलने वाली स्टिक और क्रिकेट का बैट दोनों अलग होता है, क्यों? क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। क्रिकेट का बैट चौड़ा होता है ना, और हॉकी का जो नीचे राउंड होता है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग होती है। क्रिकेट के बैट का हैंडल छोटा होता है, वो चौड़े वाला पार्ट लंबा होता है, जबकि हॉकी में ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है ना, उसमें पतला पार्ट लंबा रहता है। क्रिकेट की बॉल छोटी होती है, फुटबॉल की बॉल बड़ी होती है। तो आप देखोगे दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे दो दो दोस्त लोग दोस्त होते हैं, फिर भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना? एक की हाइट 140 सेंटीमीटर, एक की हाइट 145 सेंटीमीटर, डिफरेंस आ गया दोनों में। दोनों का वेट भी अलग अलग हो सकता है, दोनों के हेयर का कलर भी अलग अलग हो सकता है, दोनों के आईज का कलर भी अलग अलग हो सकता है। तो कहने को तो दोनों क्या है, ह्यूमन बींग्स है, पर दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होता है। तो उसी तरह मैं सबको मैटर कहते हैं, लेकिन अब इस मैटर की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब फिजिकल और केमिकल, जैसे अब जैसे मैं, मेरी हाइट समथिंग है, वो मेरा फिजिकल पार्ट है। मैं अंदर से कितना मजबूत हूँ, वो मेरा केमिकल पार्ट है ना? अब मैं बहुत मोटा भी हो सकता हूँ, पर हो सकता है मेरे में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ ना हो, और मैं एकदम पतला सा सूखा सा हो सकता, पर मेरे अंदर में बहुत स्ट्रेंथ भी हो सकता है ना? तो फिजिकल प्रॉपर्टी इज समथिंग डिफरेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज समथिंग डिफरेंट। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, और आने वाले केमिस्ट्री के चैप्टर से हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो ओके, अभी से हमने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी होता है।
तो कोई भी मैटर इन पांच चीज मिलकर बनाता है, इसको पंच तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पंच तत्व। पंच मतलब पांच, तत्व मतलब पांच चीजों से मिलकर बनाता है, अर्थ, एयर, वाटर, स्काई और फायर। तो इन पांच तत्वों से मिलकर आपका कोई मैटर बनाता है, ठीक है, याद रखना। अभी देखो, हम किसी चीज को जिसको छू सकें, जिसको टच कर सकें, इसे ये अलग अलग डेफिनेशन है बस आपको याद करने के लिए। जिस चीज को हम छू सकें, जिसको टच करते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैटर। जो फीलिंग्स होती है, जैसे हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत सो रहा हूँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, ये सब कैसी फीलिंग्स है, इसको आप मैटर नहीं कह सकते। ये शब्द तो हमने सुने हैं, है ना, बट इसको मैटर कह सकते नहीं। हैप्पीनेस का कोई स्थान है क्या? नहीं। हैप्पीनेस का कोई वेट है क्या? नहीं। इसलिए इसको मैटर नहीं कह सकते। तो मैटर की डेफिनेशन सिंपल क्या है, जब भी आपको पूछा जाए व्हाट इज मैटर, तुम कहेंगे एनीथिंग that has mass and that occupies space is called as matter. तो इन मैटर्स को दो अभी मेनली तीन स्टेजेस पे डिवाइड किया गया, तीन टाइप के मैटर बताए गए। वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है और वो गैस हो सकता है। कई सदियों तक ये तीन ही थे, सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था। जैसे जैसे साइंस एडवांस करते गई, उन्होंने दो एलिमेंट और निकाले, है ना। अब दो एलिमेंट, प्लाज्मा, यस, प्लाज्मा वाला एंड दूसरा बोर्न आइंस्टाइन प्रोसेस। उसको आने वाले टाइम में पढ़े, आपके कोर्स में ज्यादा नहीं है। मेन आपका क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, यस। किसी का माइक अलग से ऑन है तो प्लीज माइक आप ऑफ रखिएगा, ठीक है। तो तीन तरह की स्टेज होती है, ठीक है, इसको स्टेज भी कहते हैं। जैसे तीन चीज है ना, एक सॉलिड है, एक लिक्विड, गैस। एक्चुअल में क्या होता है, ये मैटर की स्टेज होती है। ये मैटर क्या होती है? स्टेट्स होती है, ठीक है। कोई चीज सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है, वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकती है ना, वो प्लाज्मा में भी कन्वर्ट हो सकती है। ये प्लाज्मा है, ठीक है। अब देखो, सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता, हमने सुना है ना, आइस क्यूब होता है। कैसा होता है? वो सॉलिड होता है। आइस क्यूब जब पिघल जाता है, क्या बन जाता है? वाटर बन जाता है। जब उसको हम ज्यादा हीट देते हैं, गर्म करते, क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। उसको और हम कुछ करेंगे, प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे, वो क्या बन जाएगा? वो प्लाज्मा बन जाएगा। ये सारे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों ने सब सुना है ना, तो या नहीं सुना है? फ्रीजिंग आप लोगों ने मेल्टिंग सुना है। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। हम इसको पढ़ेंगे पूरे टॉपिक में। जब लिक्विड गैस में चेंज, उसको क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। जब गैस प्लाज्मा में चेंज, उसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन। अब उल्टा चलते हैं, जब प्लाज्मा पार्ट को गैस बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डी आयोनाइजेशन। गैस को लिक्विड बनाएंगे, उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। लिक्विड को गैस बनाएंगे, उसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग। तो ये सारे टॉपिक हम, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में सब कवरअप करने वाले। यहाँ तक सबको क्लियर? आगे चल सकते हैं? यस सर। चलो, गुड। तो याद रखना, जो मेटल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? पार्टिकल। तो दो तरह की चीज होती है, एक पार्टिकल होता है, एक वेव होता है। जैसे साउंड क्या होती है? वेव होती है। जब सुनते हो, जब सुनते हो तो आपको लगा कि कुछ आके आपके कान में टकराता है, नहीं, आपको कभी महसूस नहीं होता। हम किसी चीज को देखते हैं, आपको महसूस होता है कि कोई चीज आपके अंदर आके आपको लग रही है, तभी आप देख पा रहे हो, नहीं। तो दो, जो जो मेटल होता है, ये जो चीजें होती हैं, वो दो तरीके की होती है। पार्टिकल फॉर्म में भी हो सकती हैं और वेव फॉर्म में भी हो सकती है। या अगली क्लासेस में पढ़ोगे व्हाट इज आयनाइजेशन। अथर आयनाइजेशन होता है, जब गैस को, जब गैस होता है उसको प्लाज्मा में चेंज करती है। फिर फोर्थ स्टेज होती है। अभी तक हमने तीन स्टेज पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब गैस के बाद भी एक फेज होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। तो गैस को प्लाज्मा में जब चेंज करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं आयनाइजेशन। ये आपको कोर्स में नहीं है, बट आपको सिर्फ नाम याद रखना, ठीक है। चलो, अब देखो मैटर कितना छोटा होता है ना, मैटर कितना छोटा होता है। ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट कंटेन 10^21 पार्टिकल्स इन इट। सोचो मैटर कितना छोटा होगा, एक छोटे से वाटर ड्रॉपलेट में कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, तो मैटर इतना छोटा होता है। सर, मैटर इज आल्सो मेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यस, वो हम डिटेल, यस, आपका जो समझो, आपका एक छोटा सा जो बिंदु है, ये बिंदु से भी छोटा होता है मैटर। और उस मैटर को जब और अंदर से तोड़ेंगे, तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, प्रोटॉन्स मिलेंगे, न्यूट्रॉन्स मिलेंगे,
ये अंदर की काम है, ठीक है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी कुछ खासियत होती है, हम कैसे चीज समझेंगे भाई क्या है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं, ये शांत नहीं बैठते, ठीक है। जैसे छोटा सा पार्टिकल है ये यहाँ पर नहीं पड़ा रहेगा, इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसे घूमता रहता है। तो पार्टिकल में क्या होता है, मोशन होता है। अब इसे मोशन क्यों होता है ना, बात चीज आएगी भाई मोशन, मोशन क्यों है, क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। तो कोई भी चीज होती है उसमें एनर्जी होती है, याद रखना, कोई भी पार्टिकल होता है, कोई भी मैटर होता है, उसमें एनर्जी होती है। किसी में एनर्जी हाइयर लेवल की होती है, किसी में एनर्जी लोअर लेवल की होती है, ये हमको याद रखना। तो पार्टिकल जो मोशन में होते हैं वो मोशन में क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ये होता हाफ इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन स्क्वायर, ये आप लोग बाद में पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब हाउ टू अंडरस्टैंड, भाई कैसे पता लगेगा, अब कोई एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए ना, साइंस होती है तो साइंस क्या करती है, एक्सपेरिमेंट करके बताइए कि भाई पार्टिकल मोशन में है क्या। तो जैसे आप लोगों ने घर में, आप लोग लेमन जूस बनाते हो, आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी भर दिया, और आपने ग्लास लिया या जग लिया, कुछ भी आपने लिया, इसमें आपने क्या किया, आपने इसमें पानी डाल दिया, और क्या करते हो आप, इसमें सॉल्ट ऐड करते हो, थोड़ा सा आप इसमें शुगर ऐड करते हो, और आप इसमें लेमन भी निचोड़ते हो। अभी देखो लेमन की जो बूंदे है, सब इसके ओके बूंदे बनाता हूँ, देखो इसमें आपने इसमें बूंदे डाली, बूंदे यहां पर आ गई, इतना ही बस आपने निचोड़ा। अब जब निचोड़ते हो तो निचोड़ते कहां पर हो, सरफेस पे, यहां पर। अब थोड़े समय इसको ऐसे छोड़ दो, ये हिलाओ मत डुलाओ मत कुछ मत करो। आपने इसमें सॉल्ट भी ऐड कर दिया, सॉल्ट भी भाई नीचे आ गया ऐसा, ठीक है। आपने शुगर भी ऐड कर दिया तो आपकी शुगर भी आगे नीचे आगे बैठ गई, ठीक है। अभी देखो शुगर कहाँ है, नीचे है, सॉल्ट कहाँ है, नीचे है, लेमन जूस कहाँ पर था, लेमन का जो पार्ट था ऊपर था। इसको दो घंटे छोड़ दो, छोड़ दिया। अब क्या करो, इसको एक गिलास में डालो, प्योर करो इसको, इसको अंदर ड्रॉप करो और इसको पियो। तो आप देखोगे लेमन ऊपर था, शुगर नीचे था, सॉल्ट नीचे था, पर अब ये पूरा क्या बन गया, लेमन जूस बन गया ना। अब तुमने उसको हिलाया नहीं, तुमने उसको डलाया नहीं, लेकिन जो लेमन ऊपर था वो नीचे भी आ गया भाई। जो शुगर नीचे थी तो मीठा, अगर जब भरोगे तो कहां से भरोगे, ये ऊपर का पोर्शन सबसे पहले भरा जाएगा ना, ये नीचे की चीनी थोड़ी जाएगी नीचे। अब तुम देखोगे चीनी नीचे थी बट ये पूरा पानी क्या हो गया, मीठा हो गया, होता नहीं होता है। तो इसे क्या पता लगता है कि भाई जो भी आपका लेमन था या शुगर था उसके जो पार्टिकल्स थे वो पूरे पानी में मिक्स हो गए, वो पानी में उसने क्या किया, मूवमेंट कर लिया। तो इसे क्या पता लगता है, भाई जो पार्टिकल्स होते हैं हमेशा किसमें होते हैं, मोशन में। आप हिलाओगे डुलाओगे नहीं तब भी वो अपना रास्ता तय कर लेते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग कभी एक्सपेरिमेंट करते हो कि आपके पास पानी है, उसमें आप एक इंक ड्रॉप कर दो, ड्रॉप पानी में, क्या होता है थोड़े समय बाद वो पूरी वाटर कैसा रहता है, ब्लू हो जाता है। आप ब्लैक कलर की इंक डालोगे पूरा पानी कैसा जाएगा, ब्लू हो जाएगा। आप रेड कलर की इंक डालोगे रेड हो जाएगा। अब आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ एक ड्रॉप डाल के छोड़ दिया, पर वो तो उस पूरे पानी को क्या कर देता है, रेड कर देता है, ब्लैक कर देता है, ब्लू कर देता है। इससे क्या पता लगता है, पार्टिकल मोशन में होती है। और बेस्ट एग्जाम्पल दूध वाला आता है, आपको क्या बोलता है, एकदम प्योर मिल्क, पर कभी दूध वाले का मिल्क प्योर होता है क्या, नहीं होता है ना, वो क्या करता है पानी ऐड कर देता। अब था मिल्क, आपने उसमें क्या ऐड कर दिया, वाटर, पर आपको कैसा दिखाई देगा, आपको तो मिल्क ही दिखाई दे रहा है ना, बरोबर है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में जाकर मिक्स हो गए। तो मिक्स कब हो गए, जब आपने उसको, ये आपने दूध था, यहां तक आपका दूध था, आपने क्या किया ऊपर पानी डाला, आपने ऊपर से क्या किया, इसमें पानी डाल दिया ऐसा समझो, ये आपका पानी है। तो आपको पानी ऊपर अलग से दिखता है क्या, नहीं, जैसे आपने डाला ये दोनों पार्टिकल मिक्स हो जाएंगे और ये पूरा क्या बन जाएगा, मिल्क। पर मिल्क की क्वालिटी कैसी होगी, हल्का मिल्क होगा, पतला मिल्क होगा। अंडरस्टूड, यहां तक सबको क्लियर? यस सर। सर व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड वेजिटेबल ऑयल इन द मिल्क, देखो ऐसा होता है अथर
कि हर पार्टिकल हर एक में प्रॉपरली मिक्स होता भी और नहीं भी होता। जब सॉल्यूशन और सॉल्यूट पढ़ेंगे तब आप इस कंसेप्ट को समझोगे, ठीक है। ऑयल और वाटर की जो मिक्सिंग होती है, वाटर और जो ऑयल की मिक्सिंग होती है, ये दोनों आपस में इतनी जल्दी मिक्स नहीं होते, ये हमेशा याद रखना। जैसे आप सब्जी खाते हो, सब्जी के ऊपर घी डालो, ठीक है। अब देखो घी और सब्जी के अंदर जो पानी होता है और जो घी होता है, वो दिखेंगे मिक्स हो गए पर मिक्स नहीं होते, आपका ऑयल हमेशा ऊपर तैरता है, इट विल फ्लोट ऑलवेज। अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखो ये एक एक्सपेरिमेंट था, इसमें इन्होंने क्या किया, पानी लिया था, इन्होंने यहाँ पर नीचे एक पोटेशियम पर मैग्नेट, ये होता है एक सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का छोटा सा उसने उसमें छोड़ दिया। अब धीरे धीरे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो पूरे पानी को कैसा कर रहा है, ऐसा वॉयलेट कलर का कर देता है। तो इससे भी क्या पता लगता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में रहते हैं, हमेशा वो मोशन करते रहते हैं। अब पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, अब हमें एक एक करके एक प्रॉपर्टी को पढ़ें। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिजोल्विंग ऑफ ए सॉलिड इन ए सॉलिड। अभी आपने पूछा ना कि भाई वाटर में ऑयल को डाल दे तो क्या होगा, ऐसे हर हर एक मैटर सॉलिड हो लिक्विड हो गैस, ये आपस में मिक्स होते हैं क्या, वो हम पढ़ेंगे कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो देखो सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होता है क्या, यस। उसका एग्जाम्पल क्या है, आपने पानी का बीकर लिया, इसमें आपने पोटेशियम परमैंगनेट का छोटा सा क्रिस्टल डाल दिया, बोलते चीनी के गोले, आप मिश्री सुनो का मिश्री, ठीक है, समझो एक पोटेशियम परमैंगनेट का मिश्री जैसा आपने छोटा सा ये सॉलिड यहाँ डाल दिया। अब देखो पानी का कलर कैसा है, वाटरलेस, पानी कैसा है, कलरलेस, है ना, और इसका कलर कैसा है, पर्पल। सर थोड़े से, यस सर, सर पोटेशियम परमैंगनेट में भी बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल देते हैं ना। हाँ अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको धीरे धीरे, अभी चलते हैं सर। लेकिन हर एक सॉलिड डिजॉल्व नहीं ना होता, जैसे कि आयरन वगैरह, स्टील। देखो नहीं नहीं, आपको वही तो समझना है कि हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। जब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे भाई कोई कौन सी चीज किस, जैसे सॉल्ट जल्दी घुल जाता है, चीनी जल्दी नहीं घुलती है, आप उसमें वो रेत डाल दो, सैंड डाल दो, वो नहीं घुलेगी। तो हर एक अपना प्रॉपर्टी होता है, कोई चीज डिजॉल्व होगी कोई चीज डिजॉल्व नहीं होगी। तो यहाँ पर एग्जाम्पल कौन सा है, एक सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व हो सकता है, ठीक है। अगर आप सैंड डालोगे तो सैंड डिजोल्व नहीं होते ना, वो मिक्सचर बन जाता है। जब आप आगे पढ़ोगे ना, एलिमेंट कंपाउंड्स मिक्सचर। अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर अगर नॉर्मल भाषा में एलिमेंट है, उसमें एक ही चीज है वाटर। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं, उसमें मैंने शुगर एड कर दिया तो शुगर प्लस वाटर क्या बन गया, कंपाउंड मीठा पानी, क्या बन गया, मीठा पानी। अब मैंने इसमें सैंड ऐड कर दिया, सैंड प्लस वाटर, ये क्या बन गया, मिक्सचर। क्योंकि दोनों आपस में मिक्स नहीं हो रहे, दिख रहे हैं पर मिक्स नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे, सस्पेंशन सॉल्यूशन वो धीरे धीरे आपके टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका है, डिजोल्विंग ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। आपने एक पार्टिकल लिया, क्रिस्टल लिया, आपने उसको पानी के कोने में छोड़ दिया, आपने उसको कुछ नहीं किया, समय के साथ क्या होगा, ये पिघलता जाएगा और धीरे धीरे पूरे कलर, वाटर का कलर कैसा हो जाएगा, पर्पल। तो इसका मतलब कुछ सॉलिड लिक्विड में डिजोल्व होते हैं, ठीक है। ये दूसरा एग्जांपल होता कैसा है, देखो ये छोटे से पार्टिकल थे, अब ये क्या हो रहा है, ये जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं ना, अब जो लिक्विड है उसके बीच में दो पार्टिकल के बीच में गैप होता है। अरे पार्टिकल क्या करते, यहां पर है, ये यहां से हटेंगे, एक यहां पर चला गया, एक यहां चला गया, एक यहां चला, क्यों, इनके बीच में क्या स्पेस है। देखो कोई भी वाटर पार्टिकल, कोई भी लिक्विड होता है, उसके बीच में क्या होता है, गैप होता है। सॉलिड के बीच में गैप कम होता है, लिक्विड के बीच में गैप थोड़ा और ज्यादा होता है, और गैसेस में गैप बहुत ज्यादा होता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, देखो पार्टिकल्स हर जगह पहुंच गए, जब पार्टिकल्स हर जगह पहुंच गए तो पूरे उसको कैसे कर देते हैं, पर्पल। इसलिए अगर इसको इसी डायग्राम को अगर समझते हैं तो यहाँ पर ये किससे कंपेयर किया गया है, इस पार्ट से। फिर धीरे धीरे पार्टिकल क्या करते हैं, दूसरे पार्टिकल के स्पेस में जाके बैठ जाते हैं, इससे इनको पूरा कलर कैसा दिखाई देता है, पर्पल कलर दिखाई देता है, ठीक है। अब ऐसी गैसेस भी मिक्स होती है आपस में, है ना, जैसे एयर, एयर तो बेस्ट एग्जाम्पल आपका। एयर में क्या क्या है, आपकी ऑक्सीजन है,
आपकी नाइट्रोजन भी है, आपकी CO2 भी है, आपका सल्फर भी है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि एक गैस दूसरे गैस में मिक्स हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिया है ब्रोमीन वेपर्स, ठीक है। समझो आपके पास एक ऐसा है, एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ब्लू कलर का गैस भरा हुआ है, ठीक है। आपने इसके ऊपर एक खाली वो ले लिया, खाली टेस्ट ट्यूब, और आपने इस गैप को हटा दिया, इससे आपने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ऊपर खाली था, ऊपर क्या थे, सिर्फ एयर थी, ठीक है। यहां पर क्या थे, ब्रोमीन वेपर्स। तो क्या हुआ, आपके ये वेपर्स धीरे धीरे से एयर में मर्ज होते जाएंगे, और ये पूरा कैसा बन जाएगा, ये पूरा हो जाएगा आपका ब्राउन। इसका मतलब ब्रोमीन क्या थी, गैस थी, एयर भी क्या एक गैस है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। थर्ड चीज, आप लोगों ने कभी पानी के ऊपर छोटे छोटे कहते ना फ्लावर्स की पत्तियां हिलते डुलते देखी है, अगर पानी है ना, आप पानी में छोटे छोटे ऐसे वो कहते फ्लावर्स के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बिल्कुल बारीक 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 बारीक, वो या आप जो बचपन में आप ड्राइंग करते थे वो चमकीले चमकीले छोटे छोटे पेपर आते थे, है ना, आप पानी के ऊपर उसको छोड़ दो, वो क्या होंगे, वो जिगजैग मोशन करेंगे, यहाँ पर थे यहाँ चले गए, 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 इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन। अब ये क्यों होता है, ठीक है, ये पार्टिकल यहाँ पर था, अब इसमें यहाँ पर वाटर पार्टिकल, एक पार्टिकल वाटर का यहाँ पर, यहाँ पर ये वाटर पार्टिकल का इसको धक्का मारेगा, ये आगे चला जाएगा, फिर यहाँ पर जो पार्टिकल इसको फिर धक्का मारेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि अब वाटर पार्टिकल भी क्या है, मोशन में, ठीक है। इससे हमको क्या पता लगता है कि पार्टिकल मूव करते हैं, पार्टिकल्स हमेशा क्या करते हैं, मोशन में रहते हैं। तो द पोलन ग्रेन मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, कैसे, दे आर कॉन्स्टेंटली हिट बाय द फास्ट मूविंग पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, अंडरस्टूड। और इसी को क्या कहते हैं, यस सर, ब्राउनिंग मोशन कहते हैं। साइंटिस्ट था रॉबर्ट ब्राउन, उसने इसका डिस्कवरी किया था, उसने ऑब्जर्व किया था लिक्विड में और गैस में दोनों में ब्राउनिंग मोशन होता है, सॉलिड में नहीं होता, इसमें होता है गैसेस में होता और लिक्विड में होता है। जो पार्टिकल्स कैसा मोशन करता है, जिगजैग मोशन करता है। तो इसमें हमको क्या कंक्लूजन मिला, एक तो ये कंक्लूजन मिला जो मैटर होते हैं, ये ब्रोमीन मोशन से हमको क्या पता लगा, जो मैटर होते हैं वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। दूसरा, ये कांस्टेंट ट्रेवल करते हैं, ठीक है। और तीसरा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, या तो खींचते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं, दो चीज होती है, या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल भी करते हैं, जैसे अपने मैग्नेटिकल पोल में देखा है ना, पोल्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल भी करते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, तो फर्स्ट किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स आर वेरी 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 स्मॉल। अब उसको एग्जांपल से समझाएं, अब देखो कैसे समझाएं, भाई हमने 100 ml का पानी ले लिया, सिर्फ पानी, ओनली एकदम प्लेन वाटर, अब इसमें क्या किया हमने, इसमें 10 ml, एक छोटा सा बस इसमें क्या डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट थोड़ा सा डाल दिया, और इसको हमने हिला दिया, हिलाने से क्या हुआ, ये पूरा पर्पल हो गया। अब मैंने क्या किया, इसमें से केवल 10 ml निकाला, पूरा नहीं, इसमें से केवल 10 ml निकाला और एक फ्रेश वाटर में ऐड किया, फ्रेश वाटर में इसको कर दिया ऐड। अभी देखो पर्पल कलर तो है बट फेंट हो गया, क्या हो गया, थोड़ा फेंट हो गया। अब मैंने इसमें से फिर 10 ml निकाला इस वाले में से, अब इसको फिर से फ्रेश वाटर में ऐड किया, एकदम ऐसा वाला पानी, ये वाला पानी, अब देखो ये थोड़ा और फेंट हो गया, लाइट हो गया इनका, हमने फिर निकाला इसमें, अब ऐसे कितने कितने करते जाओ, हल्का सा पर्पल कलर तो रहेगा ही रहेगा। तो ये जो छोटा सा पार्टिकल था, आपने एक छोटा सा पार्टिकल लिया था, उसने कितने ml पानी को भी पर्पल करके रखा है। तो क्या कर रहे, छोटे छोटे पार्टिकल अपने को क्या कर रहे, स्प्रेड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, आप पानी से
अब इसमें आप 1 ml भी ले लेते, ये तो 10 ml है, आप 1 ml भी ले लेते तब भी इस वाटर का कलर चेंज कर देते, ठीक है। इसका मतलब पार्टिकल आर वेरी वेरी स्मॉल। नेक्स्ट सेकंड इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, देर इज अ स्पेस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। एकदम सही बात, आप लोग क्लास में बैठते हो सब बच्चों बीच में गैप डिस्टेंस मेंटेन करके बैठते हो, यस, तो देर इज स्पेस। किसी भी दो व्यक्ति के बीच में ले लो, किसी भी दो चेयर के बीच में लो, किसी दो चीज के बीच में ले लो, इवन आप किसी चीज को फेविकॉल से भी चिपका दो, फेविकॉल से चिपका भी दो, तब भी उसमें गैप रहता है हल्का सा। कहते हैं पानी और हवा ये किसी भी जगह से निकल सकती है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं देर इज स्पेस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स। इसका एग्जाम्पल कैसे, आपने भाई पानी लिया, पानी में आपने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, आपने एक मुट्ठी भर नमक लिया है ना, समझो 1 लीटर पानी है, इसमें 100 mg नमक ऐड कर दो। अब थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे, नमक इसमें डिजोल्व हो गया। अगर वाटर पार्टिकल्स के बीच में गैप नहीं होता तो ये कैसे डिजोल्व हो पाता, नहीं हो पाता ना। इसका मतलब क्या हुआ, ये सोल्ट था, ये देखो नीचे क्या था, सोल्ट था। थोड़े समय बाद क्या नीचे सोल्ट है क्या, नहीं है। सोल्ट कहाँ चला गया, वो वाटर पार्टिकल्स के बीच में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है। अंडरस्टूड यहां तक, यहां तक किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। गुड, सबको समझ में आ रहा है चैप्टर? यस सर। चलो गुड। थर्ड चीज, थर्ड प्रॉपर्टी, ये सब आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। पार्टिकल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, एकदम सही बात। घर में जब मंदिर में पूजा करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो मंदिर में अगरबत्ती लगाते हैं पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। कैसे फैली भाई, जो अगरबत्ती की जो फ्रेग्रेंस थी, उसकी खुशबू थी, वो धीरे धीरे हर जगह फैल जाती है। इसका मतलब पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। आपने पूजा घर में पूजा की, आपके ड्रॉइंग हॉल में, बेडरूम में, आपकी हर जगह फ्रेग्रेंस फैल जाती है। इसका मतलब पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं, रुकते नहीं है। ऐसा नहीं अगरबत्ती मंदिर में लगाई, मंदिर में खुशबू आएगी, बाकी जगह खुशबू नहीं आएगी, बाकी जगह भी आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस वजह से सॉलिड होते हैं, इसी वजह से लिक्विड होते हैं, इसकी वजह से गैसेज होते हैं। अब किसी भी चीज के बीच में अट्रैक्शन होता है। इस अर्थ पे जितनी भी चीज एग्जिस्ट करती, कोई भी मैटर हो, कोई भी पार्टिकल हो, सबके बीच में अट्रैक्शन होता है। और ये अट्रैक्शन क्या करता है, हमको बाइंड करके रखता है। जैसे आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स आपको प्यार करते हैं, है ना, तो इसका मतलब वो आपका प्यार होता है जो आपको बांध के रखता है। तो इन पार्टिकल के बीच में क्या प्यार होता है, ठीक है, इसलिए एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पूरे अर्थ में, पूरे यूनिवर्स में ये फोर्स काम करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो हमको एक दूसरे से बांध के रखता है, ठीक है। और इस फोर्स को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कोहेशन फोर्स। इसको नाम को याद रख लेना, इस फोर्स को क्या कहते हैं, कोहेशन फोर्स, ठीक है। अब देखो सॉलिड में ये दोनों पार्टिकल बहुत पास पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर रहते हैं, और गैस में तो थोड़े और ज्यादा दूर दूर रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सॉलिड में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन थोड़ा और कम हो जाता है, गैसेस में अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता है, और प्लाज्मा में अट्रैक्शन लगभग कम हो जाता है, ठीक है। अब हम आगे टॉपिक में चलेंगे, उससे पहले दो ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको आपको समझना है। तो वन टर्म इज नोन एज रिजिड एंड वन टर्म इज नोन एज फ्लूइड। तो रिजिड का मतलब क्या होता है, अनबाइंडिंग या इनफ्लेक्सिबल। किसी भी चीज को अगर हम मोड़ ना सके, है ना, मतलब फ्लेक्सिबल ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। जिसको मोड़ने पर वो टूट जाए, हार्ड, उसको क्या कहते हैं, हार्ड, ठीक है, उसको बोलते हैं रिजिड। और फ्लूइड किसको बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं जो इजिली फ्लो कर सकता है, और जिसको रखने के लिए आपको कोई कंटेनर चाहिए। तो इस मोस्टली रिजिड में आपके सॉलिड आते हैं, रिजिड में आपके क्या आते हैं, सॉलिड। और आपका लिक्विड हो या गैस हो, इसको टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं।
फ्लूइड का मतलब जो भी पार्टिकल या जो भी मैटर फ्लो कर सकता है और जिसको रखने के लिए बर्तन चाहिए, कंटेनर चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। अंडरस्टूड यहां तक? हम सेकंड स्लाइड पे चलते हैं, अगर यहां तक क्लियर हो तो चलो गुड। क्लास हम 9:30 तक लेंगे, हम ज्यादा घंटे आधे घंटे और पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे आपको मैंने कहा, किसी भी चीज में दो प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े। तो बहुत सारे एलिमेंट आपके सामने हैं जो सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, बहुत सारे एलिमेंट हैं जो लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं, और बहुत सारी चीजें जो गैसेस कैटेगरी में आती है। बहुत सारे आपने नाम सुने भी है, पेन पेंसिल, जो आपने आज तक आप सब देखते आपको पता ही, तो इसमें ऐसा कुछ नया नहीं जो आपको नहीं पता। अंडरस्टूड ना? तो जितने मैटर होते हैं उसको हम तीन कैटेगरी में देखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो अब प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे आपके लिए। 7-8-9 प्रॉपर्टी देखो रखना, इनको एज इट इज याद करना है, ठीक है ना? एज इट इज इनको याद करना। तो एक एक ये इसकी प्रॉपर्टी है, और सॉलिड में क्या रोल प्ले करता है, लिक्विड में क्या रोल प्ले करता है, और गैसेस में क्या रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट चीज मास, ठीक है? फर्स्ट पैरामीटर किसमें है? मास। तो सॉलिड्स में मास सेम रहता है, मास चेंज नहीं होता। लिक्विड का ही मास सेम रहता है, गैसेस का ही मास सेम रहता है, मतलब मास तीनों में सेम रहता है। 1 किलो आइस, 1 किलो पानी और 1 किलो स्टीम। तब बोल सकते भाई 1 किलो मेरे पास स्टीम है, 1 किलो मेरे बर्फ है, तो इतनी सी हो जाएगी। 1 किलो लिक्विड है, इतना हो जाएगा। 1 किलो गैस बोलो बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा, बट उसका मास सेम रहता है, मतलब फिक्स रहता है। सेम मतलब फिक्स रहता है। सेकंड, शेप के बेस पर, सॉलिड की शेप डेफिनेट रहती, फिक्स रहती। ईंट है तो ईंट रहेगी, पानी नहीं बन जाएगी, ठीक है? लिक्विड दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। इनका शेप कैसा होगा? जैसा कंटेनर लोटे में डालोगे लोटे जैसा हो जाएगा, गिलास में डालोगे गिलास जैसा हो जाएगा, और चाय के कप में डालोगे तो चाय के कप जैसा हो जाएगा, ठीक है? आप उसको सिलेंड्रिकल गिलास में डाल दो, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। आप उसको स्फेरिकल ट्यूब में डाल दो, स्फेरिकल हो जाएगा, ठीक है? आप उसको ट्राइंगल में डाल दो, ट्राइंगल जैसा हो जाएगा। तो जो शेप आप दोगे शेप ले लेगा। सेम गैसेस में भी दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम की बात आती है, तो सॉलिड का वॉल्यूम डेफिनेट फिक्स्ड होता, मतलब लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, यस, बट गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। उसको जिस कंटेनर में डालोगे वो उसका वॉल्यूम एक्वायर कर लेता है, इनडेफिनेट होता है, ठीक है? अभी समझा इनडेफिनेट का डेफिनेट मतलब, डिफाइन मतलब, जैसे अगर ये आपका बॉक्स है, ये देखो बाउंड्री है, ठीक है? इसके अंदर जो भी वॉल्यूम है फिक्स है। मान लो सॉलिड है, सॉलिड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? क्यूबॉइड का लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। अब इसमें तुम चीनी भर दो तो उसका वॉल्यूम तुम निकाल सकते हो ऐसे, इसमें तुम पानी भर दो तुम उसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, ठीक है? पर गैस, अगर इसमें इतनी सी गैस थी, मान लो ये बड़ा कंटेनर था, अब गैस का वॉल्यूम तो इतना था, लेकिन जब गैस को खुला छोड़ दोगे वो हर जगह ऐसे भर जाएगा, तो क्या करता? कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है, ठीक है? आपने पानी डाला, देखो ऐसे पानी, ये अगर इतना पानी है तो इसका वॉल्यूम इतना ही है, ये पूरा यहां तक नहीं भर जाएगा। चीनी यहां तक तो इतनी रहेगी, पानी यहां पर तो इतना ही रहेगा, पर गैस होगी तो पूरे इसमें भर जाएगा। सर मतलब गैस रिजनरेट होती है क्या? मतलब एक हो गए तो उससे और बढ़ेंगे? नहीं नहीं बढ़ता नहीं है वो, उसके बीच में स्पेस बढ़ता जाता है, दूरी बढ़ जाती है। तो मतलब जितना अगर शुगर डालेंगे तो उतना ही रहेगा, तो उसको हम डिफाइन बोलेंगे। यस, ठीक है? वो जिस बर्तन की शेप में है उसका शेप वही रहेगा। तो गैस में क्या होता है, समझो आपने अभी एक इतना सा छोटा सा गैस का पार्टिकल था, आपने इसको इस बॉक्स में डाला, तो पूरे में गैस ऐसा फैल जाएगा। आपने इसको बड़े बॉक्स में डाल दिया, इतना इतना सही ये, पर इस पूरे में फैल जाएगा। तो ये जिस कंटेनर में जाता है उसका शेप ले लेता है, उसका वॉल्यूम उतना हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस मतलब दबाना, ठीक है? मतलब दबाना।
आप सॉलिड को दबा सकते हो? नहीं, पॉसिबल ही नहीं होता। आप अपनी बेंच को दबाने की कोशिश करो, दबेगी नहीं। हाँ, टूट जाएगी, दबेगी नहीं। इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, किसी चीज को कंप्रेस करना मतलब दबाना, ठीक है। तो ये सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता है, लिक्विड में लगभग पॉसिबल नहीं होता है, है ना। कभी पानी को ऐसे दबा के देखना, पॉसिबल नहीं होता। पर गैस दबा सकते हो आप, उसको जितना चाहे, पूरे रूम की जो गैस है ना, उसको छोटी सी कैप्सूल में डाल सकते हो आप, उसको इतना कंप्रेस कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, दबा देना उसको। अंडरस्टूड? फ्लूडिटी, फ्लूड मतलब फ्लो कर सकता है क्या, तो सॉलिड फ्लो कर सकते हैं? नॉट पॉसिबल। ईंट को जहां रख दिया वहीं रहेगी, कहीं बह के नहीं जाएगी। पर पानी को, दूध को, गैस को आप कहीं भी छोड़ दो, वो फ्लो करना स्टार्ट करेंगी, दे विल फ्लो एवरीवेयर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिजिडिटी, क्या ये फ्लेक्सिबल होते हैं? दे आर वेरी हाईली रिजिड, है ना, ये वेरी हाईली रिजिड। लिक्विड लेस रिजिड, लिक्विड आर लेस रिजिड, और गैस तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती, एकदम फ्लेक्सिबल होती है। कोई पॉइंट नहीं समझे तो पूछते रहना, ठीक है। सेवंथ, डिफ्यूजन, है ना, जो हमने पढ़ा था डिफ्यूज कैसे होता, मतलब ये किसी चीज में कैसे घुल जाते हैं। यहाँ पर डिफ्यूज का मतलब क्या है, किसी चीज में कैसे घुल जाते हैं, घुलना, डिजोल्व हो जाना, इसको हम डिजोल्व भी कहते हैं, डिजोल्व हो जाना। तो सॉलिड सबसे कम स्लो डिजोल्व होते हैं, है ना। चीनी आपने डाल दी, चीनी को घुलने में टाइम लगेगा, वही आप शुगर सोल्यूशन ऐड कर दो वो जल्दी घुल जाएगा ना। आपने चीनी मिक्स किया, चीनी को मिक्स होने में टाइम लगेगा, पर आप शुगर को सॉल्यूशन बना लो, चाशनी बना लो, आप चाशनी को मिक्स करो वो जल्दी मिक्स हो जाएगी। और गैसी गैस में डिफ्यूजन बहुत फास्ट होता है। आपने अगर आपने सेंट छिड़का और सेंट क्या हुआ, आपकी खुशबू हर जगह फैल जाती। सर इन विच कैटेगरी फ्रिक्शन विल कम, बेटा कौन सा फ्रिक्शन की बात कर रहे हो आप? दो सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा होता है, दो लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन थोड़ा कम होता है, और गैसेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता। यहाँ पर सरफेस होता है वहां पर फ्रिक्शन होता है, हमेशा याद रखना, यहाँ पर टू सरफेसेस होते हैं वहां पर फ्रिक्शन है। तो सॉलिड में फ्रिक्शन, दो सॉलिड ले लो ऐसे करो, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें फ्रिक्शन ज्यादा होगा। आप अपने हाथ में पानी लगा लो और फिर ऐसे करने की कोशिश करो, आपका हाथ गर्म नहीं होगा। आप सूखे हाथ करो गर्म हो जाएंगे, आप गीले हाथ से करो उतने ज्यादा गर्म नहीं होंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स। तो सॉलिड एकदम क्लोजली पैक होता है, एकदम क्लोजली पैक होता है, इसका मतलब उनके जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस एकदम कम होता है, नेग्लिजिबल। लिक्विड में लेस क्लोजली पैक्ड, इसलिए वो फ्लो कर पाता है, और गैसेज में वेरी लीस्ट क्लोजली पैक। गुब्बारे में थोड़ी हवा भरो, उसको जितना भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे भरते जाओगे तो गैस लूजली पैक होता है। इंटर पार्टिकल फोर्सेस, दो जो पार्टिकल होते हैं उसके बीच में फोर्स कैसा होता है? सॉलिड में एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्यों? एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जब पकड़ के रखते हैं तब मजबूत होते हैं, है ना। लिक्विड्स में स्लाइटली वीकर देन सॉलिड्स, और गैसेज में तो नेग्लिजिबल होता है। एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से कोई मतलब नहीं, अगरबत्ती का एक धुआं इस कोने में जाएगा दूसरा उस कोने में जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, इतने फ्रीडम वाले रहते हैं। अंडरस्टूड? ये नो प्रॉपर्टी, सबको किसी को किसी प्रॉपर्टी में पूछना पूछ सकते हो, किसी भी टर्म में आपको जो ना समझा पूछ सकते। आपको एटलीस्ट 5-6 प्रॉपर्टीज तो याद होनी चाहिए एग्जाम में, जब से कहीं पूछा जाए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस, एटलीस्ट आपको 5-6 प्रॉपर्टी याद होनी, मास, शेप, वॉल्यूम, रिजिडिटी, फ्लूडिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, फोर्सेस, एकदम इजी है, नो के नो याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात। चलिए आगे चलते हैं। अब भाई हमने देखा कि इसमें प्रॉपर्टी तो है, अभी प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होती है, सोचने वाली बात है ना भाई। सॉलिड में की प्रॉपर्टी अलग है, लिक्विड की प्रॉपर्टी अलग है, गैस की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अब ऐसा क्या रीजन होता है जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है? तो सबसे इंपॉर्टेंट तीन दो रीजन होते हैं, फर्स्ट सेकेंड वाले। फर्स्ट, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है वो इसकी बाकी सब प्रॉपर्टी डिसाइड करता है।
तुषार डेफिनेट मतलब डिफाइन, डिफाइन मतलब बच्चा कैसे समझाऊं तेरे को, जैसे तेरे घर में तू एक किलो चीनी लाया सर, फिक्स है। हाँ फिक्स हो गया, तुमने एक अपने घर में चीनी लाई एक किलो और तुमने उसको एक जगह रख दिया, वो एक किलो ही रहेगी, बदली नहीं होगी। उसको तू छोटे गिलास में डाल ले, उसको बड़े बर्तन में डाल ले, वो कैसी रहेगी, उतनी ही रहेगी, नहीं बदलेगी। ऐसी पानी, एक लीटर पानी है, दूध वाले डल्लू में डाल लो, जग में डाल लो, लोटे में डाल लो, बड़े जैसे टैंकर में डाल लो, एक लीटर तो एक लीटर ही रहता है, नहीं बदलता, ठीक है। पर गैस में ऐसा नहीं होता, गैस जहां पर जाएगी वो अपने आप को फैला लेगी, अपना विस्तार कर लेगी। अभी अंडरस्टूड मेरे भाई? यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। जो अभी प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों होती है, फर्स्ट उनके बीच में स्पेस होता है, इसकी वजह से वो उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है, और लिक्विड के बीच में जो होता है वो जो स्पेस होता है, स्पेस इज द रीजन, जो दोनों बीच में डिस्टेंस होता है ना, ये एक रीजन होता है इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। तो सॉलिड में डिस्टेंस सबसे कम होता है, गैस में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट तो क्या था, डिस्टेंस। जब डिस्टेंस होगा तो फोर्स की बात आ जाएगी, है ना। जब भी हम डिस्टेंस की बात करें तो फोर्स की बात है, तो दो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन कैसा है, तो कहेंगे सॉलिड में सबसे ज्यादा है और गैस में सबसे कम है। थर्ड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ एनर्जी होती है, तो सॉलिड में एनर्जी सबसे कम होती है और गैसेज में सबसे ज्यादा होती है। जिसमें ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना फास्ट मूव करेगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अंडरस्टूड? यस सर। इसलिए सॉलिड लिक्विड गैसेज में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। चलो आगे, अभी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमको क्वेश्चंस समझ में आने जरूरी है। भाई ये कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, सर रबड़ बैंड तो अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, लिक्विड अपनी शेप चेंज करता है, यस। गैस अपनी शेप चेंज करता है, यस। सर रबर बैंड भी तो अपनी शेप चेंज करता है, तो इसको सॉलिड क्यों कहते हैं, इसको लिक्विड क्यों नहीं कहते, है ना। क्वेश्चन तो है, इसका आंसर क्या है, जो रबड़ होता है वो शेप अपनी कब चेंज करता है, जब उसके ऊपर बाहर कोई फोर्स काम करेगा, है ना। जैसे लिक्विड में कोई फोर्स काम करने की जरूरत नहीं, आपने पानी लिया और डाल दिया, अपने आप बह जाएगा। गैस लिए उसको छोड़ दिया, अपने आप बह जाएगा। लेकिन रबड़ बैंड को अगर आपको उसका शेप चेंज करना है, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब तक आप फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, अपना अपने आप शेप चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम बात करते हैं कि भाई सॉलिड मतलब जो अपनी शेप खुद चेंज ना कर सके, और लिक्विड और गैस मतलब जो अपनी शेप अपने मनमाने ढंग से चेंज कर सकता है। इसलिए रबड़ बैंड को जो अपनी शेप चेंज कर सकता है, बट हम उसको सॉलिड इसलिए कहते हैं कि वो शेप कब चेंज कर पाता है, जब भाई उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा। एक रबड़ रखा छोड़ दो, दो साल छोड़ दो, जहां पर है वहीं पर पड़ा रहेगा, एक पैर नहीं हिलेगा, एक सेंटीमीटर नहीं हिलेगा, अगर उसको कोई ना हिलाए। ये सॉलिड का काम है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये वन मार्क्स में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। वी गिव रीजन। सेकंड, दूसरा, अब उसने बोला भाई जो सॉल्ट और शुगर है हम जिस बर्तन में डालते हैं उसका शेप ले लेता है। सबने देखा घर में किचन में मम्मी का शुगर का बर्तन अलग होता है और सॉल्ट का बर्तन अलग होता है। तो अभी लिक्विड में क्या था, लिक्विड जिस शेप में जाएगा, गैस जिस बर्तन में जाएगा उसका शेप ले लेता है ना। तो भाई सॉलिड के केस में भी ऐसे होता है क्या, क्या उनकी शेप चेंज होती है? इसको जब नहीं, अगर हम शुगर का एक पीस लेंगे ना, शुगर का छोटा सा क्रिस्टल लेंगे, तो उसकी शेप वैसी रहती है, किसी बर्तन में डाल दो वैसी रहने वाली है, ठीक है। पर इसकी काउंटिंग ज्यादा होती है, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होते हैं, इसलिए इनको क्या लगता है, शेप तो चेंज होती है बट स्टिल दे आर सॉलिड। क्योंकि प्रॉपर्टी सब किसकी है, चेंज शेप होना, फ्लो करना, किसकी प्रॉपर्टी, ये गैसेज और लिक्विड्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। इसलिए शेप ऑफ द इंडिविजुअल क्रिस्टल, ये वाला क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। अगर हम उसको अलग बर्तन, अभी इस बर्तन में डाला, कल उस बर्तन में डाला, तो वो उसकी शेप तो पक्का लेता है, जैसे लिक्विड लेता था।
बट वो जो इंडिविजुअल क्रिस्टल की बात करेंगे वो वैसा का वैसा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड, अब आप लोग बताओ, ए स्पंज कैन बी कंप्रेस इजली, देन व्हाई डू इट इज कॉल्ड ए सॉलिड? सर मे आई टेल? सर मे आई टेल? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में मैसेज करो सब लोग, प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स। स्पंज उसको मैं एकदम कंप्रेस, ये गैस की प्रॉपर्टी, गैस की, गैस को आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हो तब भी इसको सॉलिड क्यों कहते हैं? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। बिकॉज ऑफ द फोर्स, बिकॉज इट हैज डेफिनेट मास, बिकॉज इट कैन कंप्रेस व्हेन इट द एक्सटर्नल फोर्सेस। ओके, सब लोग रिप्लाई करो, तीन लोगों ने रिप्लाई किया, सबका रिप्लाई आना चाहिए। जल्दी फास्ट रिप्लाई, सबका फास्ट आना चाहिए। चलो गुड, इसका जवाब क्या कहता है, ध्यान से सुनो। स्पंज होता है उसमें बहुत सारे माइन्यूट माइन्यूट छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स, उसमें क्या भरी होती है, हवा भरी होती है। जब हम इसको दबाते हैं तो हवा निकल जाती है, ठीक है, तो कंप्रेस तो होता है, बट इसका जो छोटा सा भी अगर पार्टिकल ले लो, ये वाला जो उतना का उतना रहता है एकदम। इसका हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मैटर की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं। ये छोटा सा पार्टिकल कंप्रेस नहीं होता, ठीक है, पर गैस के केस में होते हैं, ठीक है। तो स्पंज में क्या होता है कि उसके अंदर एयर पोर्स होते हैं, इसमें एयर भरी होती है। अब इसको एक बार आपने एकदम पिचका दिया, उससे छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। सो द एयर इन दिस गैस गेट कंप्रेस्ड। ओके, अब कुछ एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या क्या है? लिक्विड डज नॉट हैज ए फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, ये तो हम सबको पता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी ऑफ वाटर है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आप पानी को जिस बर्तन में डालोगे उसका शेप तो ले लेता है, शेप तो अलग अलग होगा। यहाँ पर शेप कौन सी है, सिलेंड्रिकल, यहाँ पर शेप कैसी है, कौन फ्रस्टम जैसी, ये कैसी है फ्रस्टम, ये कैसा है स्पेयर। तो लिक्विड की शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम सेम रहता है। इसमें एक लीटर पानी, इसमें भी एक लीटर है, इसमें भी एक लीटर, इसमें भी एक लीटर पानी है, इसका मतलब वॉल्यूम फिक्स रहेगा बट शेप चेंज हो जाएगी। सेकेंड, हाँ ये आप रखें, गैस का फिक्स शेप नहीं होता और फिक्स वॉल्यूम नहीं होता। अब जैसे गैस में देखो, आपने इस गुब्बारे में हवा भरी, गुब्बारा ऐसे भी दिख सकता है, उतनी हवा आप इसमें भर दो, ये ऐसे लंबा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो गैसेस होते हैं और लिक्विड्स होते हैं उसमें हम क्या कहते हैं, फिक्स शेप नहीं होता और वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। चलो नेक्स्ट, सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये इसका सेटअप दिया गया। आप कैसे कर सकते हो भाई, आपका ये सिलेंड्रिकल वो है चेंबर, यहां से दोनों जगह से खुला, यहां से भी खुला ऐसा है, ये यहां से भी ओपन है और यहां से भी ओपन है। आपने क्या किया, यहां पर एक कॉर्क लगा दिया बंद करने के लिए, ओके। इसमें आपने यहां तक क्या किया, चॉक पाउडर भर दिया और इसको यहां से दबाने की कोशिश करो, ऊपर से फोर्स अप्लाई करो, इसको दबाने की कोशिश करो, ये यहां पर है उधर ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक एमएम हिल जाए बहुत बड़ी बात है, मुश्किल होता है, एक एमएम हिल जाए बहुत बड़ी बात है। आपने क्या किया, अब यहाँ पर आपने वाटर भर दिया, वाटर, आप पानी को कितना ही दबाने की कोशिश करो पानी नहीं दबता है, उतना ही रहता है। इसका मतलब हो गया सॉलिड और लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, कंप्रेस मतलब दबा नहीं सकते हो, बट गैसेस को आप इजली दबा सकते हो। तो ये सेटअप है, यहाँ पर आपका नीचे कंटेनर है, इसमें चॉक पाउडर है और यहाँ से आप उसको नीचे पुश कर रहे हो, तो जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए देखो आपके घरों में जो सिलेंडर आते, कौन से सिलेंडर आते हैं, कौन सिलेंडर आते हैं सर, एलपीजी,
गैस वाले, उसमें जो गैस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एलपीजी, इसका मतलब होता है लिक्विफाइड। सर लिक्विफाइड, यस, पीसे पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या जिसे गैस। इसका मतलब क्या हुआ, हमने गैस को क्या किया, हमने उसको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके क्या कर दिया, उसको लिक्विफाइड कर दिया। तो बहुत ज्यादा गैस थी, हमने उसको छोटे से बर्तन में ला के कंप्रेस कर दिया। इसका मतलब गैसेस कंप्रेस हो सकती है, ये प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस था। ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ वाटर था, लिक्विड था, ये प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। अब डिफ्यूजन, हमने एक डिफ्यूजन पढ़ा था क्या बायोलॉजी में, वो डिफ्यूजन क्या था, एक गैस फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन गो टू लोअर कंसेंट्रेशन, ए लिक्विड फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन गो टू लोअर कंसेंट्रेशन। यहाँ पर डिफ्यूजन का मतलब है सेम चीज, द स्प्रेडिंग आउट, देन लिक्विड्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। हाँ, लिक्विड ऑस्मोसिस होता है, यस, लिक्विड्स में डिफ्यूजन नहीं होता क्या? सर होता है, डिफ्यूजन को कौन से भी इसमें कर सकते हैं। यस, आप पानी में लेमन जूस मिलाओ, देखो डिफ्यूज होता है, मिक्स हो जाता ना, एक जगह हायर कंसेंट्रेशन होता है, पूरा पानी एकदम नमकीन हो जाता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन किसको बोलते हैं, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग विद एनी अदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ पार्टिकल्स। सेम वही एग्जांपल, आपका पानी और आपका शुगर ऐड कर दो, पूरा आपस में मिक्स हो जाता है, ये क्यों, ड्यू टू द मोशन ऑफ इट पार्टिकल्स। आगे, इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, ठीक है। तो आपके, हमने एग्जांपल लिया था ब्रोमीन वेपर्स का, ब्रोमीन वेपर किससे मिक्स हो जाते हैं, आपके एयर में मिक्स हो जाते हैं। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है सर, विल देयर बी डिफ्यूजन इन द मरकरी, बेटा तो चेक करना पड़ेगा, मरकरी में होता नहीं होता ऐसा, आपको स्पेशली हर एक कंपोनेंट का मैं नहीं बता सकता। अब देखो ऐसा था, डिफ्यूजन भी है, जैसे पानी में रेत डिफ्यूज होता है क्या, नहीं होता। तो हर एक एलिमेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। पानी में शुगर मिल जाएगा, आपका सोल्ट मिल जाएगा, दोनों सॉलिड है, लेकिन सैंड को मिलाओ मिलेगा क्या, नहीं मिलता। तो चेक करना पड़ेगा मरकरी में डिफ्यूजन होता है क्या। लिक्विड 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 मिक्स हो सकता है, हो सकता है कुछ सॉलिड मिक्स ना हो, है ना, हो सकता कोई गैस मिक्स हो। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है, हर एक के, देखो हर एक का अपना इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है, हर एक की बॉन्डिंग होती है, हर एक का अपना स्ट्रक्चर होता है, हर एक की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों प्रॉपर्टीज होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है सर। अब जो डिफ्यूजन होता है वो सबसे फास्ट गैस में होता है, उससे कम लिक्विड्स में होता है, और एकदम स्लोएस्ट सॉलिड्स में होता है, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे कैसे, उसके ऊपर क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। आप पानी का टेम्परेचर बढ़ा दो, आप देखो घर में मम्मी जब रसगुल्ले गुलाब जामुन बनाती है तो चाशनी बनाती है ना। अब चाशनी क्या होती है, आप पानी में शुगर ऐड करो, ठीक है, आप उसमें घोलते जाओ, एक समय बाद क्या आएगा, आप चीनी आपकी घुलनी बंद हो जाए, अब आपको चीनी और घोलनी है, तो मम्मी क्या करती है, उसको गैस के ऊपर चढ़ाती है और गैस ऑन करती है। अब जैसी गैस होती है ऑन होती है, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता जाता है, आपका जो शुगर अभी उसमें डिजोल्व नहीं हो रही थी ना, वो डिजोल्व होनी स्टार्ट हो जाती है। उसमें क्यों होता है, अब वाटर पार्टिकल्स के अंदर गैप क्रिएट होने लग जाता है, समझे पॉइंट क्या होता है। आपका वाटर है, उसका एक फोर्स है, उसके अंदर स्पेस है, आप उसमें चीनी ऐड करते एक लेवल तक चीनी के पार्टिकल्स में जाके फिक्स हो गए, बैठ गए, अब बाकी कोई जगह नहीं बची, तो चीनी वैसी वैसी पड़ी रहेगी। अब आपको चीनी पूरी मिला जब क्या करो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जो पार्टिकल्स होंगे उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। इसलिए जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या होगा, उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो जाएगा, तो बाकी बची हुई चीनी वहां जाके स्पेस में जाके बैठ जाएगी, ठीक है। इसलिए रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। यहां तक सबको समझ में आया क्या? यस सर, अंडरस्टूड सबको, चलो गुड। अब लास्ट तीन चार क्वेश्चन बाकी है, फिर आज की क्लास हम यहां पर एंड करेंगे, ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो अभी तो मैंने बताया,
रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द टेम्परेचर. अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाती है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, वो बहुत फास्ट मूव करते हैं. जब फास्ट मूव करेंगे तो क्या होगा, स्पेस बढ़ जाता है, स्पेस इंक्रीज हो जाता है. जब स्पेस इंक्रीज हो जाता है तो उसमें शुगर पार्टिकल, सॉल्ट पार्टिकल उसमें ऐड होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, अब ये फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, व्हाई डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन द गैस. ऐसा क्यों, बिकॉज जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है. इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, इसलिए गैसेस बहुत दूर भागती हैं. जब इनके बीच में स्पेस ज्यादा है तो बाकी गैसेस उसमें आके ऐड हो जाती है. ठीक है, इसलिए गैसेस में डिफ्यूजन काफी फास्ट होता है. क्यों, फोर्स कम होता है, स्पेस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें बीच में आके बाकी पार्टिकल्स आके मिक्स हो जाते हैं. एयर भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है. ठीक है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, जो लाइट गैसेस डिफ्यूज फास्टर देन द हैवी गैस. गैसेस में भी क्वालिटी होती है, लाइट गैस, हैवियर गैस, ऑक्सीजन गैस और ओ2, सल्फर, इन सब में क्या होता है, कोई लाइट गैस कहलाती है, कोई हैवी गैस कहलाती है. ठीक है, तो जो लाइट गैस होती है वो जल्दी डिफ्यूज होती है. लाइट गैस का मतलब उसके पार्टिकल और ज्यादा फैले, हैवी गैस का मतलब उसके पार्टिकल थोड़े क्लोजली हैं, इतने दूर दूर नहीं है. ये ब्रोमीन वाला एग्जांपल था, ठीक है, हमने कर लिया, ये हम कर चुके थे. थर्ड, व्हाई द स्मेल ऑफ द फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीच इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस. क्यों भाई, वो इसलिए होता है जब खाना पकाते हैं, ठीक है, जो खाना पकाते हैं उसमें कुछ गैसेस रिलीज होती है. ठीक है, उस गैसेस में क्या होता है, स्मेल ऑफ द फूड होता है. तो जो गैसेस एक जगह से दूसरी जगह पर जाती हैं वो स्मेल को कैरी करती है. मम्मी किचन में बनाती है, आपको दूर बैठे पता लगेगा मम्मी ने आज हलवा बनाया है, ये मम्मी ने आपकी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाई है, तो आपको स्मेल से पता लग जाता है. क्यों, क्योंकि गैसेस एनवायरमेंट में बहुत जल्दी डिफ्यूज करती है. ठीक है, यस, तो द रेट ऑफ द डिफ्यूजन is high as compared to the diffusion of the gases in the cold food. इसलिए जो गर्म खाना होता है उसमें rate of diffusion ज्यादा होता है as compared to ठंडा खाना. ठीक है, next, ये same चीज, the fragrance of burning instinct. क्यों, क्योंकि उसके बीच में gas ज्यादा होता है, वो बहुत fast move करते हैं, उनकी kinetic energy ज्यादा होती है. क्या होती है, उनकी kinetic energy ज्यादा होती है. जब kinetic energy ज्यादा होती है तो क्या होता है, वो बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं. जब बहुत जल्दी स्प्रेड होते हैं इसलिए फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस स्टिक, ये खुशबू हर जगह फैल जाती है ना. तो द स्मेल ऑफ परफ्यूम वेपर स्प्रेड थ्रू आउट द रूम व्हेन द बॉटल इज ओपन, द लिक्विड परफ्यूम क्विकली चेंजेस इनटू वेपर गैस. तो जो परफ्यूम वेपर्स होते हैं पूरे एटमॉस्फेयर में जल्दी मिल जाते हैं. ठीक है, अभी जब हम घर में सिलेंडर लेके आते हैं, अगली चीज, जब घर में सिलेंडर लेके आते हैं गैस लीकेज कैसे पता लगता है, भाई गैस लीक हो रही है ना. तो हमारी जो एलपीजी गैस होती है उसमें केमिकल मिलाया जाता है, उसको कहते हैं इथाइल मर्सेप्टन. इसको क्या कहते हैं, इथाइल मर्सेप्टन. सर विच गैस टेम्परेचर इज हाईर, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, मैं आपका क्वेश्चन ही समझा बच्चा, क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर बताओ, अनम्यूट करके, अनम्यूट करके पूछो. अच्छा, अनम्यूट करके पूछो आपका क्वेश्चन, मैं नहीं समझ पा रहा हूं. नॉर्मली हमने देखो क्या सुना है, जो गैसेस होती है वो ऑर्डरलेस होती है. ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं होती. तो जो आपकी एलपीजी गैस होती है उसमें भी क्या होता है, स्मेल नहीं होती. ठीक है, तो अगर समझो सिलेंडर में कुछ लीकेज आ जाए तो आपको कैसे डिटेक्ट होता है. देखो कभी घर में गैस अगर खुला छूट जाए, एक अजीब सी बेकार की स्मेल हमारे घर में फैल जाती है. वो किसकी वजह से होता है, वो इथाइल मर्सेप्टन. कभी एक नंबर में पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स में, जो इथाइल मर्सेप्टन होता है, ठीक है, वो केमिकल होता है, वो उसमें ऐड किया जाता है, वो उसकी स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है. इसको क्यों यूज करते हैं, डिटेक्शन ऑफ द लीकेज ऑफ द गैस.
नेक्स्ट, डिफ्यूजन ऑफ इन लिक्विड, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड ऑलवेज स्लोअर कंपेयर टू गैसेस. सही बात है ना, लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होता है इज कम्पेयर टू गैसेस. क्यों भाई? इसलिए क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस कम, गैस के मुकाबले ज्यादा होता है ना. गैस के पार्टिकल दूर दूर रहते हैं और लिक्विड के पार्टिकल थोड़े पास पास में रहते हैं, इसलिए लिक्विड में डिफ्यूजन स्लो होता है और गैसेस में डिफ्यूजन ज्यादा होता है. ठीक है, इसीलिए कभी आपने देखा है कि सॉलिड आपस में डिफ्यूज होते हैं? मैंने तो देखा है. एग्जाम्पल, आप कभी ब्लैक बोर्ड को राइटिंग करो, जिसमें कई बार छोड़ता हूँ, मैंने ब्लैक बोर्ड को राइटिंग किया, समझो 10 दिन के लिए क्लास की छुट्टी हो गई और मैंने उसको मिटाना भूल गया, रब करना भूल गया. जब मैं 11वें दिन क्लास में जाऊंगा और उसको मिटाने की कोशिश करूंगा तो मैं देखूंगा मेरे ब्लैक बोर्ड पर ऐसे वो मार्किंग बन जाती जो मैं छोड़ के गया था. मैं रब से इरेज करने की कोशिश तो कर रहा हूँ, कुछ तो इरेज हो जाएगा लेकिन स्टिल उसके ट्रेसेस नजर आएंगे. अब कैसे हो भाई, बोर्ड तो क्या था, सॉलिड था और इंक भी आपने किससे लिखा, इंक से, वो भी सॉलिड थी, लिक्विड थी लेकिन बाद में सूख जाती है ना. लिक्विड इंक तो लिक्विड होती है, जब उसके ऊपर चलाओगे तो सॉलिड बन जाती है. अब वो सॉलिड सॉलिड में मिक्स हो गया है ना, तो पर ये बहुत स्लो होता है, वो 10 दिन बाद होगा, 20 दिन बाद होगा, इतनी फास्ट नहीं होती. अगर आप छोटा सा प्लास्टिक ले लो, आप घर पे कर सकते हो, आपका इरेजर होता है, इरेजर जो आप लोग क्लास में यूज करते हो इरेजर, और इसके ऊपर आप क्या करो, इसके ऊपर रबड़ बैंड छोड़ दो, रबड़ बैंड. आप कई दिनों बाद ऑब्जर्व करना, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, ये इलास्टिक इसके साथ चिपक जाता है. अब आपने फेविकोल तो कुछ लगाया नहीं ना, आपने क्या किया, दोनों को इकट्ठा छोड़ दिया. ऐसा क्यों होता है, ये देखो पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल ऐसे थे, ये अपना इधर था, ये इधर था, थोड़े समय बाद आपस में क्या होता है, डिफ्यूज होना स्टार्ट होता है. ये मैंने इरेजर और रबड़ बैंड का तो मैंने बहुत बार ट्राई किया, इरेजर और आपका रबड़ बैंड दोनों को कुछ समय के लिए एक साथ छोड़ दो, कुछ समय क्या हो गया, एक दूसरे चिपक जाते हैं. अब रबड़ बैंड क्या है, सॉलिड है, इरेजर क्या है, सॉलिड है, दोनों का आप एक साथ छोड़ दो, दोनों समय के साथ आपस में एक दूसरे से चिपक जाते हैं. तो इसलिए डिफ्यूजन जो होता है तीनों में होता है, गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी होता है. तो यहाँ पर आपका आज 30% मैटर इन सराउंडिंग ओवर होता है. अभी हम आगे क्या क्या पढ़ना है, अब मैटर्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, अब हम सारी वो जो हमने सुना था इवोपोरेशन, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, समलाइजेशन, अब हम सब उसको पढ़ेंगे आने वाले टाइम में. प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इवोपोरेशन क्या होता है, हमारे बर्तन, हमारे कपड़े जल्दी कैसे सूखते हैं, मटके का पानी ठंडा कैसे रहता है, पसीने आने पर हमको ठंडक महसूस क्यों होती है, हमें कॉटन क्लोथ ही क्यों पहनने चाहिए, हम जब चाय इस प्याली में डाल के पीते हैं हम उसको जल्दी क्यों पी पाते हैं, ऐसे बहुत सारे डे टू डे क्वेश्चन होते हैं. तो लास्ट में पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या होता है और वो साइन टाइम कॉन्स्टेंट क्या है. तो आज के लिए आई थिंक इतना काफी है. अंडरस्टूड? यस सर. सबको क्लियर? तो मेरा होमवर्क सुन लो अभी क्या है, आपको शीट भेजूंगा, ये वाली जो भी आपको मैं शीट दिखाई मैं आपको शीट भेजूंगा, इस शीट को आपको खुद अपनी कॉपी में लिखना है और आपको होमवर्क सबमिट करना है. याद रखना जो मैं आपको भेजूंगा. यस सर, मेरा बायोलॉजी का हो गया सर, सारे शीट्स लिख के. आपका हो गया? यस सर. कौन सा शीट आपका सर? बायोलॉजी के. यस यस, गुड गुड. सबने किए है, सिर्फ इसने किए है भाई? मैंने सबको कहा था करने के लिए, सबने किया होमवर्क सबमिट? बायो का किस किसने नहीं किया मैसेज करो. ओके, वैष्णवी ने कर लिया, और किसने किया है? देखो आप लोग रिवाइज करोगे मेरे नोट्स को, मैं जो नोट्स बनाता हूँ वो कई बुक्स, आथर आप तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं नोट्स बनाता हूँ मैं कई बुक्स को पढ़ के बनाता हूँ आप लोगों के लिए. कहीं से मैं डायग्राम लेता हूँ नेट से, कहीं बुक से लेता हूँ, तभी आपको मैं नोट्स दे पाता हूँ. आपको जो मैंने कल एक नोट भेजे थे पीडीएफ वो अलग थे, अभी देखो मैं आपको जो ये दूंगा ये और भी अलग है, इसमें कलर्ड फोटोज के साथ आपको मिलेंगे पढ़ने के नोट्स. ठीक है, तो होमवर्क सिंसियरली, तो आज का होमवर्क क्या, मैं आपको दोनों शीटें ही भेजूंगा थोड़ी देर में. आप क्या करोगे, फटाफट इनको इनको अपने भाषा में लिखना है,
ओके चलिए क्लास एंड करें फिर। यस सर।